Hello everyone, in this video you will get to know the difference between A and A plus file access mode. Okay, so here we have A mode. अगर आप A mode में file को open करते हो तो क्या होता है, opens a file for appending. A mode किस लिए use होता है, appending के लिए use होता है. मतलब appending मतलब आप data को append कर सकते हो, join कर सकते हो, आप data को write कर सकते हो. Okay, at the end of the existing data, जो file के अंदर already data है, right, उस data में अगर आप कुछ और डेटा ज्वाइन करना चाहते हो तो आप किस मोड में फाइल को ओपन करोगे, आप अपेंडिंग मोड में, ए मोड में फाइल को ओपन करोगे. ओके, तो अगर आप ए मोड में फाइल को ओपन करते हो तो क्या आप क्या कर सकते हो, आप न्यू इंफॉर्मेशन को राइट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, और यू कैन से अपेंड कर सकते हो एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग डेटा, राइट. ओके, एंड इफ़ यू ओपन योर फाइल इन ए प्लस मोड, अगर आप ए प्लस मोड में फाइल को ओपन करते हो, ओपन अ फाइल फॉर बोथ अपेंडिंग एंड रीडिंग. ए प्लस मोड में क्या होता है, आप डेटा को राइट भी कर सकते हो, अब मीन्स आप डेटा को अपेंड भी कर सकते हो, न्यू डेटा को राइट भी कर सकते हो, और आप फाइल को रीड भी कर सकते हो. ओके, फर्स्ट डिफरेंस क्या है, ए प्लस मोड में सिर्फ आप डेटा राइट कर सकते हो, मीन्स डेटा को अपेंड कर सकते हो, लेकिन डेटा रीड नहीं कर सकते हो. बट ए प्लस मोड में क्या है, आप डेटा को अपेंड भी कर सकते हो और रीड भी कर सकते हो, राइट. जब आप क्या करते हो, राइट मोड में ओपन करते हो फाइल को, तो क्या होता है, आपका एग्जिस्टिंग डेटा डिलीट हो जाता है. पर अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जिस्टिंग डेटा डिलीट ना हो, तो आप किस मोड में फाइल को ओपन करोगे, आप फाइल को ए मोड में या ए प्लस मोड में ओपन करोगे. ओके, नाउ द फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फाइल. जब आप ए मोड में फाइल को ओपन करते हो तो फाइल पॉइंटर कहाँ होता है, कंटेंट के एंड पर होता है, जो लास्ट आपका, मान लो लास्ट आपका फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप के बाद आपका क्या होगा, पॉइंटर होगा. ओके, जिससे जो आप न्यू डेटा एंटर करोगे वो कहाँ पर स्टार्ट होगा, वो फुल स्टॉप के बाद स्टार्ट होगा. फाइन, तो यहाँ पे क्या है, द फाइल पॉइंटर इज प्लेस एट द एंड ऑफ द फाइल, सो न्यू कंटेंट इज एडेड आफ्टर द एग्जिस्टिंग कंटेंट. तो जो आपका न्यू कंटेंट जो आप ऐड करते हो, वो कहाँ पे ऐड होता है, वो जो प्रीवियस कंटेंट होता है उसके बाद. ओके, जो एग्जिस्टिंग कंटेंट होता है उसके बाद वो क्या होता है, ऐड होता है और अपेंड होता है, राइट. सेम विद द ए प्लस मोड, द फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फाइल. आपको फाइल पॉइंटर हमेशा कहाँ मिलेगा, एंड ऑफ द फाइल ही मिलेगा. ओके, अगर आप डेटा क्या करना चाहते हो, अपेंड करना चाहते हो, सो न्यू कंटेंट इज एडिड आफ्टर द एग्जिस्टिंग कंटेंट. ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट इज क्रिएटेड. अगर आपने क्या किया, किसी फाइल को ए मोड में ओपन किया और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या होगा, ए मोड में फाइल ओपन करने से उस पर्टिकुलर नेम की फाइल क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी, राइट. और जो भी आप डेटा उसमें अपेंड करना चाहते हो वो उसमें राइट हो जाएगा, मतलब वो उसके अंदर आप उसके अंदर आ जाएगा. ओके, इफ द फाइल डज, इन केस ऑफ ए प्लस मोड, इफ द फाइल डजंट एग्जिस्ट इट इज क्रिएटेड. सेम क्या है, अगर ए प्लस में भी आप फाइल को ओपन करते हो तो क्या होगा, आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है. ओके, ओके, तो अब क्या करना है, ए एंड ए प्लस मोड का डिफरेंस जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू. ओके, एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में मैं इसका नेम दे देती हूँ सैम्पल. ओके, एंड यहाँ पे हम कुछ डेटा राइट कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू पाइथन क्लास. फाइन, वेलकम टू पाइथन क्लास. ओके, और इसको हमने सेव कर दिया है एंड देन क्लोज कर दिया है. ओके, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं. यहाँ पे हमने फाइल क्रिएट की, न्यू फाइल. फाइन, न्यू फाइल के अंदर हम यहाँ पे क्या देंगे, हमने यहाँ पे दिया, ओके, आपने यहाँ पे दे दिया रीडिंग, रीडिंग फाइल इन ए प्लस मोड. फाइन, हम अपनी फाइल को ए प्लस मोड में रीड कर रहे हैं. अब देखो, ए प्लस मोड में आप डेटा को रीड भी कर सकते हो और आप डेटा को अपेंड भी कर सकते हो, राइट. एंड ए मोड में आप सिर्फ अपेंड कर सकते हो. तो यहाँ पे आपने फाइल लिया एफ मोड, फाइल हैंडल एफ. ओके, उसमें आपने किया ओपन, ओपन में हम आर ले लेते हैं, जिससे हमें क्या नहीं करना पड़ेगा, हमें डबल स्लैश नहीं लेने पड़ेंगे. तो यहाँ पे आर ले लिया है मैंने, और
हम क्या करेंगे, अपनी फाइल का एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो प्रॉपर्टीज में जाके आपको एड्रेस को कॉपी करना है, कंट्रोल सी, ओके, एंड उसको हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। और मेरी फाइल का नेम क्या है, मेरी फाइल का नेम है sample.txt। फाइन, दिस इज़ माई फाइल नेम। और मैं ए प्लस मोड में अपनी फाइल को क्या कर रही हूँ, ओपन कर रही हूँ। फाइन, ओके, नाउ ए प्लस मोड में मैंने अपनी फाइल को ओपन किया है। फाइन, ओके, कुछ यहाँ पे, अच्छा ये रह गया है डबल कोट्स, ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं प्रिंट एफ डॉट रीड। रीड फंक्शन को का यूज करें हम डेटा को रीड करने के लिए, एंड देन हमने फाइल हैंडल को क्या कर दिया, क्लोज। अब देखो क्या आपकी फाइल रीड होगी। ए प्लस मोड में आपने क्या किया है, आप ए प्लस मोड में अपनी फाइल को ओपन कर रहे हो और डेटा को रीड करा रहे हो। फाइन, तो पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैंने जैसे इसका नेम दे दिया, इसका नेम मैंने दे दिया S1, लेट अस सपोज मैंने इसका नेम दे दिया S1। फाइन, ओके, अब मैं इसको देखो रीड कराऊंगी, तो ये क्या रीड होगी, ये रीड नहीं होगी फाइल, क्योंकि जब आप ए प्लस मोड में फाइल को ओपन करोगे तो आपका पॉइंटर कहाँ होगा, आपका पॉइंटर होगा एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग कंटेंट, जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसके एंड पर होगा। ठीक है, तो मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। राइट, आपका डेटा रीड नहीं हुआ, रीड होके नहीं आया है। फाइन, आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल को स्टार्टिंग से रीड कराने के लिए या एक पर्टिकुलर पोजीशन से रीड कराने के लिए आपको सीक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, स्टार्टिंग से रीड कराती हूँ। तो मैंने सीक फंक्शन के अंदर जीरो वैल्यू पास की है, जीरो को पास किया। इसका क्या मीनिंग होता है कि आपका पॉइंटर कहाँ चला जाए, बिगनिंग ऑफ द फाइल में चला जाए। ओके, हम इसको सेव कर लेते हैं। नाउ वी विल रन आवर फाइल। सी, आपका कंटेंट आ गया, वेलकम टू द पाइथन क्लास। ओके, फाइन, नाउ अब अगर आप चाहते हो कि आप ए मोड में रीड कराओ तो क्या ए मोड में रीड होगा, क्योंकि ए प्लस में क्या होता है, आप डेटा को रीड भी कर सकते हो और अपेंड भी कर सकते हो। राइट, तो मैं देखो ए मोड में रीड कराने की कोशिश करती हूँ तो क्या रीड होगा, नहीं, एरर आएगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये एरर शो कर रही हूँ। देखो यहाँ पे आया हुआ है इनपुट आउटपुट अनसपोर्टेड ऑपरेशन नॉट रीडेबल। ए मोड में आप फाइल को रीड नहीं कर सकते हो, ए प्लस में आप फाइल को रीड कर सकते हो, बट ए मोड में आप फाइल को रीड नहीं कर सकते हो। राइट, अब नेक्स्ट हमारा क्या था, अपेंडिंग डेटा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपेंडिंग डेटा यूज कर लेते हैं। अपेंडिंग डेटा इन अ फाइल इन ए मोड। ओके, अब ए मोड रीड नहीं करता लेकिन अपेंड तो करता है, तो ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा को अपेंड कराते हैं। ओके, और डेटा कहाँ पे आपका अपेंड होगा, एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग कंटेंट आपका डेटा अपेंड होगा। फाइन, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ f.write, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ जो मुझे राइट कराना है कंटेंट, न्यू कंटेंट एडिट। फाइन, न्यू कंटेंट एडिट, तो ये मेरा न्यू कंटेंट कहाँ ऐड होगा, जो मेरा प्रीवियस कंटेंट है उसके एंड पे जाके ये ऐड होगा। कंट्रोल एस, मैंने इसको सेव कर दिया है। फाइन, अब हम इसको रन कराएंगे, रन हो गया है। अब देखते हैं जो हमने न्यू कंटेंट ऐड किया है क्या वो ऐड हुआ है फाइल में। तो ये आपकी सैम्पल फाइल है, देखो आपका जो आपने जब फाइल क्रिएट की थी तब आपने वेलकम टू पाइथन क्लास लिखा था। ओके, अब आपने क्या किया है, ए मोड में फाइल को ओपन किया है और आपने टेक्स्ट ऐड किया है न्यू कंटेंट एडेड। ओके, आपका कंटेंट ऐड हो गया है। फाइन, ओके, अब हम क्या करें, अपेंडिंग डेटा इन ए प्लस मोड। ए प्लस मोड में आप डेटा को अपेंड करा रहे हो, तो मैंने यहाँ पे ए प्लस मोड में अपनी फाइल को क्या किया है, ओपन किया है, और मैं यहाँ पे दे देती हूँ अप न्यू कंटेंट एडिट एट द एंड ऑफ फाइल। तो अब मेरा जो कंटेंट है कहाँ पे जाके ऐड होगा, ये जो प्रीवियस कंटेंट है उसके एंड में जाके ये मेरी जो मैंने टेक्स्ट लिखा है न्यू कंटेंट एडिट एट द एंड ऑफ फाइल ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी फाइल ओपन है, मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। ओके, एंड यहाँ और मैं अपने देखो ए प्लस मोड में भी ए प्लस ले लेते हैं, यहाँ पे रन कराएंगे हम अपने प्रोग्राम को। रन हो गया है। नाउ वी विल सी
ये आपकी फाइल है। फाइल में देखो सबसे पहले था वेलकम टू द पाइथन क्लास, फिर आपने ए मोड से, ए मोड में फाइल को ओपन किया था और आपने क्या कंटेंट ऐड कराया था, न्यू कंटेंट एडिड। ओके, अब आपने क्या ऐड कराया ए प्लस मोड में, न्यू कंटेंट एडिड एट द एंड ऑफ द फाइल्स। ठीक है, तो ये आपका ऐड होके आ गया है, न्यू कंटेंट एडिड एट द एंड ऑफ द फाइल, मैंने फाइल्स लिख दिया फाइल। ओके, तो क्या है, ए मोड में भी आप डेटा को अपेंड कर सकते हो और ए प्लस मोड में भी आप डेटा को अपेंड कर सकते हो, राइट। अब मैं चाहूँ कि मेरा कंटेंट फाइल के स्टार्टिंग में अगर ऐड हो जाए तो आप क्या कर, ये पॉसिबल है, तो मैं यहाँ पे सीक फंक्शन का यूज़ करके देखती हूँ। मैंने यहाँ पे सीक 0 ले लिया है, तो इससे क्या है, अगर मैं चाहती हूँ क्या मेरा पॉइंटर बिगनिंग में चला जाएगा और कंटेंट एडिट ऐड होगा, लेट अस सी। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हो तो क्या आपका कंटेंट स्टार्टिंग में या किसी भी पर्टिकुलर पोजिशन पर ऐड होगा, वैसे नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये प्रैक्टिकली शो कर रही हूँ। अब आप क्या करोगे, अपनी फाइल को रन करोगे। फाइन, आपने फाइल को रन कर दिया। ओके ओके, अब हम इसको ओपन करेंगे। सी, क्या हमने क्या दिया था, बिगनिंग में दिया था, बिगनिंग में आपका कंटेंट ऐड हुआ नहीं, बिगनिंग में कंटेंट ऐड नहीं हुआ है। ओके, सीक फंक्शन का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं हुआ है, ओके यूजलेस रह गया आपका सीक फंक्शन। न्यू कंटेंट एडिड, न्यू कंटेंट एडिड एट द एंड ऑफ द फाइल, अगेन जो आपका कंटेंट आया है वो एंड में ही आया है, देखो न्यू कंटेंट एडिड एट द एंड ऑफ द फाइल। जितनी बार आप एग्जीक्यूट करोगे अपनी फाइल उतनी बार ही आपका कंटेंट ऐड होता चला जाएगा। फाइन, लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे ही आपने फाइल को ओपन किया, कौन सी मोड में, ए प्लस मोड में, ओके, एंड किस चीज़ के लिए, राइट के लिए, राइट फंक्शन के लिए, तो आपका कंटेंट कहाँ पे अपेंड हो रहा है, कहाँ पे राइट हो रहा है, एट द एंड ऑफ द प्रीवियस कंटेंट। ओके, आप अगर चाहो तो स्टार्टिंग में ऐड करना या मिडल में ऐड करना, वो नहीं होगा, अपेंड के केस में हमेशा पॉइंटर की पोजिशन कहाँ जाती है, एट द एंड ऑफ द कंटेंट, प्रीवियस कंटेंट। ओके, तो हमेशा कंटेंट जो प्रीवियस कंटेंट है उसके एंड पर ही जाके ऐड होता है, राइट right? तो यहाँ पे आपका सीक फंक्शन कोई भी यूज नहीं करेगा। फाइन, ओके, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था कि अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्या होता है, ए मोड में एंड ए प्लस मोड में न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है उसी नेम से। तो यहाँ पे जो मेरी सैम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, सैम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल को मैं यहाँ पे शिफ्ट डिलीट कर देती हूँ। यस, ये हमने डिलीट कर दी सैम्पल डॉट टी एक्स टी फाइल। ओके, और यहाँ पे देखो मैंने दे रखा है आर और लोकेशन दिए सी यूजर्स। ठीक है, आपने पर्टिकुलर पूरी लोकेशन दी हुई है और आपने फाइल का नेम दिया है सैम्पल डॉट टी एक्स टी। अब क्या होगा, जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो सैम्पल डॉट टी एक्स टी नेम से फाइल क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर हमने राइट फंक्शन की हेल्प से क्या किया, डेटा भी राइट कराया, ये जो डेटा है वो उसमें क्या होगा, लिखा हुआ आएगा। फाइन, तो देखो मैं इसको रन कराती हूँ, ये मैंने रन करा दिया है, नाउ वी विल सी। अब देखो डेस्कटॉप से हमने हटा दी थी सैम्पल फाइल, लेकिन ये क्रिएट हो गई और अब इसको ओपन करेंगे तो क्या है, हम जो डेटा आपने लिखा हुआ था वो आ गया है, न्यू कंटेंट एडिड एट द एंड ऑफ द फाइल। ओके, तो क्या है, ए प्लस मोड में जब आप उस फाइल को ओपन करते हो जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो ए प्लस मोड क्या करता है, वो फाइल क्रिएट कर देता है। फाइन, आप देखो मैंने यहाँ पे ए प्लस को हटा के ए मोड ले लिया है। ओके, और मैंने सैम्पल डॉट टी एक्स टी की जगह सैम्पल वन ले लिया, सैम्पल वन नेम की मेरी कोई फाइल नहीं है। ओके, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, उसको ओपन कर रही हूँ। अगर मैं ए मोड में भी ओपन कर रही हूँ उस फाइल को जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो क्या होगा, वो फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। फाइन, तो देखो रन करेंगे, रन मॉड्यूल। ओके, नाउ वी विल सी। अब देखो यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप पे सैम्पल वन नेम से फाइल आ गई है, सैम्पल वन नेम से। अब इसको ओपन करेंगे तो इसमें वही कंटेंट है जो हमने क्या किया था, राइट कराया था, न्यू कंटेंट एडिड एट द एंड ऑफ द फाइल। ये देखो सैम्पल फाइल है ये आपकी, दिस इज योर सैम्पल फाइल। फाइन, एंड दिस इज योर सैम्पल वन फाइल। ओके फाइन, सी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सारे डिफरेंस क्लियर कर दिए हैं। ए मोड में आप क्या कर सकते हो, डेटा को अपेंड कर सकते हो बट रीड नहीं कर सकते। ए प्लस मोड में आप डेटा को अपेंड भी कर सकते हो, रीड भी कर सकते हो। फाइन, ओके, और आपका डेटा कहाँ पे जाके अपेंड होगा, हाँ, आपका डेटा हमेशा एग्जिस्टिंग कंटेंट के एंड पे जाके अपेंड होगा। फाइन, एंड अगर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ए मोड एंड ए प्लस मोड में जब आप उसको ओपन करोगे तो क्या होगा, आपको जो आपकी फाइल है, जिस भी नेम से आप फाइल को ओपन करें उस नेम से आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके ओके एवरीवन, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।